नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने संजय सिंह के तीन करीबियों को पूछताछ में शामिल होने के लिए समन जारी किया था। अब जानकारी ये आ रही है कि आप नेता के करीबी विवेक त्यागी के दफ्तर पहुंच गए हैं, ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं, जहां उनसे संजय सिंह के सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक ईडी ने संजय सिंह के तीन सहयोगियों विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा और कन्वर वीर सिंह को पूछताछ के लिए तलब जारी किया था। इसमें सर्वेश मिश्रा शुक्रवार को ईडी के दफ्तर पहुंच चुके थे। इस दौरान सर्वेश से जब मीडिया से शराब घोटाले के बारे में पूछा तो उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सत्य की विजयी होगी, भरोसा रखिए। ईडी ने शुक्रवार को दावा किया कि नेता संजय सिंह के सहयोगी सर्वेश को उनके आवास पर आप नेता की ओर से दो बार में 2 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं संजय सिंह के पीए विजय त्यागी को आरोपी अमित अरोड़ा की कंपनी अरलियास हॉस्पिटैलिटी व्यवसायिक में हिस्सेदारी दी गई थी। हम आपको बता दें कि बीते बुधवार को ईडी ने संजय सिंह के घर पर छापा मारा, जहां से उनको 11 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने दिल्ली के राव जवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को पेश किया, जहां से ईडी ने 10 दिन की रिमांड के लिए मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें सिर्फ 5 दिन की मोहलत दी। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी अब कमजोर नजर आती है, क्योंकि हम देखेंगे कि शराब घोटाले मामले में जो है तीन बड़े नेता आम आदमी पार्टी के तीन बड़े चेहरे, हम बात करें चाहे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अब जो है संजय सिंह, जो है अब अंदर जा चुके हैं और इनके जो है कोर्ट में पेशी होनी है फिलहाल जो है। उधर मनीष सिसोदिया के केस में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख जो है 12 अक्टूबर डिसाइड की है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या इस मामले में अपडेट होता है, लेकिन जो है अभी बीजेपी के की ओर से कहना है कि संजय सिंह जो है शराब घोटाले में आखिरी नेता जेल में जाने वाले नहीं है। अभी जो है ईडी की निगाह अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा जो कि बड़े चेहरे हैं, चाहे हम बात करें आम आदमी पार्टी की, इनके भी नाम जो है सामने आ सकते हैं। उनका बीजेपी का कहना है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है कि उसमें शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा को भी घसीट ले। फिलहाल आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज़।